हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की नसीन वादियों में और साक्षी नेगी ब्लॉक्स में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको सावन के महीने की दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है दूसरा सोमवार, तो आज मैंने व्रत रखा है कि आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, ऊपर तो काले बादल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कल रात बारिश हुई थी और अभी भी ना बारिश का मौसम हो रखा है। और सामने वाली पहाड़ियों पे देखो, सारे बादल ना पहाड़ियों के नीचे तक के आ रखे हैं। सावन का महीना लगा है तो चारों तरफ ना हरियाली हरियाली होती है। और इधर भी देखो, कल परसों मैंने यहाँ का साफ घास निकाल दिया था, दोबारा से सारा उग के आ गया। मैंने यहाँ पे ढेर सारे भिंडी के पौधे लगाए थे, मतलब बीज बोए थे, पर अब की बार ना एक भी भिंडी नहीं हुई। और पिछली बार तो बहुत सारी हुई थी, शायद अभी हो रही है, पर पत्तों पे कीड़े पहले ही लग गए। कि यहाँ पे ना हमारी एक करेले की बेल है जो कि काफी बड़ी हो रखी है, ऊपर तक जा रखी है और आपको इस पे ना काफी सारे करेले भी दिख रहे होंगे। एक ये है, तीन चार यहाँ ऊपर है, यहाँ देखो करेले बहुत सारे आ रखे हैं, तो शाम के समय निकालेंगे। टी में भिंडी तो लगी नहीं है, पर पत्थरों में जरूर लगी है भिंडी। दो भिंडी पहले हो गई थी, अभी भी देखो कितना प्यारा फूल आ रखा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, बाकी मैं भी नहा धो ली थी, अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने चलते हैं तो यहाँ से कुछ फूल भी तोड़ लेती हूँ। नीचे भी ना हमारा एक अमरूद का पेड़ भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, अभी और बड़ा होना था। और छोटे छोटे अमरूद भी लग गए थे, पर बंदर कूदे होंगे तो उन्होंने पूरा तोड़ दिया। तो चलिए, अभी ना मैं पूजा करने के लिए मंदिर में भी पहुँच चुकी हूँ, तो करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम महादेव जी का स्नान। चलिए, अभी ना मैंने पूजा भी कर ली है, बाकी जो हमारा मंदिर है ना हमारे घर का, तो वो पुराने ही घर में है, हम इसको ना नए घर में अभी नहीं ले जा सकते। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हो गया ये घर टूट गया तो हम ना वहाँ पूजा करवाएंगे दोबारा से और तभी ले जाएंगे हम इस मंदिर को नए वाले घर पे। पूजा करके आ चुकी हूँ, दादी जी बैठी हैं यहाँ पे। हेलो दादी जी, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या है आज? आज सोमवार का दिन है, व्रत का दिन है, सोमवार की ढेर सारी शुभकामना है। शुभकामनाएं। हाँ दादी, जड्डा लग रहा दादी? जड्डा लग रहा, जड्डा? अच्छा, आज मैं लगाने वाली हूँ इतने सारे फूल के पौधे जो कि मैं पोखरी मौसी के यहाँ से लाई थी। मैंने अभी लगाई नहीं, तो मैंने सोचा आज लगा ही देते हैं इनको। तो सबसे पहले मिट्टी लानी पड़ेगी अच्छी जगह से, गोबर इकट्ठा करना पड़ेगा, मिट्टी गोबर। तो चलिए लगते हैं काम पे। घसाई भी मैंने कर ली है और मम्मी जा रखी है घास के लिए, भैया जा रखा है आज कोटेश्वर मंदिर में। मैं पहुँच चुकी हूँ अभी गोबर के पास पे और यहीं पर ना हमारे कद्दू का बेल देखो कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल यहाँ से उधर तक, पर अभी इस पे एक भी कद्दू नहीं लगे हैं, बस इस पे फूल लगे हैं बहुत सारे। गोबर यहीं से ले जाना है, यहाँ पे सूखा गोबर है, तो इसलिए मैं एक परात और कुदाल ले आई हूँ। बाकी यहाँ पे दादी जी भी लगी हुई हैं, सगोड़े में ना जो घास हो रखा है ऐसा वाला इसको निकाल रही है और भिंडी के पेड़ रहने दे रही है, मतलब इसको बोलते हैं गढ़वाली में भिंडी नियालना बोल सकते हैं। सफाई कर रहे हैं, भिंडी की सफाई कर रहे। हाँ दा, ताई प्रणाम। और ताई जी लोग भी घास लेके आ गए। हाँ, भाई कहीं पे मिट्टी ढूंढ ली, मेरे को मिट्टी अच्छी मिली नहीं रही है। हमारे घर के आसपास अच्छी मिट्टी नहीं है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। भाई अभी ना मैंने कंटरों को मिट्टी और गोबर से भी भर दिया है, अब लगाएंगे हम फूल के पौधे। इसमें सारे फूल के नहीं है, कुछ फल के भी हैं, अनार, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, सारे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा। ये दो तो मेरे फेवरेट हैं जिनको ना टांग के लगाते हैं ऐसे कटोरों पे, मतलब वो कटोरे वाले गमले,
और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं इसी में लगाऊंगी। बाद में अगर कटोरे लाए तो उन पे लगाएंगे। मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने ये फूल के पौधे लगा दिए हैं। कंटर कम पड़े तो एक दो फूल के पौधे नीचे लगा दिए हैं, और स्ट्रॉबेरी का पौधा तो नीचे पे ही लगता है क्योंकि इसकी बेल जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। तो अभी लगा लिया है, गोबर मिट्टी और हल्का हल्का पानी का छींटा भी डाल दिया है। लगेगा तो ठीक है, पूरी मेहनत करूँगी ये अच्छे से लग जाए। ये वाले फूल भी बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ पर, इतने सारे कि वहाँ नीचे देखो उधर से लेके ना इधर से लेके पूरे बहुत सारे लग रखे हैं, और ये ना जब धूप लगती है तभी खिलते हैं और रात के टाइम पे फिर सूख जाएंगे, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। हमारा नया बिजनेस, इससे हम बिजनेस करेंगे फूल लगा के, और आने आने वाले समय में बहुत सारे फूल उगाएंगे फिर बेचेंगे। तो ये रहा हमारा नया वाला बिजनेस। इतना ज़्यादा पसीना आ गया ना, यहाँ देखो बूंद आने लग गई यहाँ पे भाई। धूप आजकल ऐसा हो रहा है कि दिन के टाइम पे तो बहुत ही कड़क वाली धूप लग रही है, और जैसे ही रात पड़ रही है वैसे ही खतरनाक वाली बारिश। तो अभी धूप लग चुकी है बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी ना सारा छोटा मोटा काम कर दिया है, बाकी धूप बहुत ज़्यादा लग रही है कि आँखें भी नहीं खुल रही। और जो कल परसों हम चलाए लाए थे ना, तो अभी इसको भी धूप में डाल देते हैं सुखाने के लिए। तो अभी मैंने चौलाई भी धूप में डाल दिया, और चौलाई से मुझे चौलाई के लड्डू याद आ गए, तो जो व्रत के दिन बनाए जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी बनाते हैं आज। तो दादी जी ने भी अभी सगोड़े की सारी सफाई कर दी है, जो कबाड़ था वो निकाल दिया है। तो चलो दादी जी ना पहले मेरे को आज चौलाई भून के देंगी, उसके बाद आगे का मैं बनाऊंगी। सबसे पहले ना मैं गुड़ को भिगोने के लिए भी रख लेती हूँ, तो इसको ना बिल्कुल बारीक बारीक से काटना पड़ेगा। दादी जी भी यहाँ पे चौलाई भूनने पे लग चुकी हैं, और चौलाई देखो कुछ ऐसे फूल जाती है बाद में। अभी ना मैंने चीनी की चास को गरम किया, इसमें एक चम्मच घी डाल के और अच्छे से इसको पका लिया, तार वाली चाशनी बना दी है। अभी इसको डालेंगे इसमें। अभी ना इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, और ये देखो बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है, इनके रेडी हो चुका है। और मैंने ना इसके लड्डू नहीं बनाए, मैंने बोला क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, मुंह में जाके लड्डू ने टूटना ही है, तो ऐसे ही ये बहुत अच्छा होगा। तो चलो देते हैं मम्मी को दादी को। ओ दादी जी, इसके लड्डू नहीं बनाए, ऐसे लड्डू ने मुँह में टूटना ही था, तो लड्डू क्यों बनाना फालतू में, टाइम खराब क्यों करना ना दादी। और दादी बोल रही हैं कि पहले भी खाते थे दादी आप पहले से? पहले तो हम इका बना खाना था, एक कढ़ाई पे वाल कढ़ाई में बनवान का खान था, क्यों करना टाइम खराब, उसने मुंह में जाके टूट नहीं है। ना टाइम खराब नहीं करते, इसलिए पहले वाले दादी लोग ना एक बड़ी कढ़ाई भर भर के बनाते थे, और लड्डू नहीं बनाते थे, ऐसे ही खाते थे, और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने बोला चलो आज ऐसे ही खाते हैं हम भी, चक्के बताना कैसा है, कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा। अच्छा खाओ तब। गाइस ये व्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दुष्ट रहे, तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। ना मम्मी ने यहाँ पे गाय को भी नहला दिया है, सोमिया को, अब इसको अंदर बांधेंगे। हेलो सोमिया, या इधर क्यों नहीं देख रही तू, मशानी ठंडे ठंडे पानी से नहा गए ना, इसलिए मूड ऑफ हो गया उसका, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा क्या? जाओ जाओ अंदर जाओ। कि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रखा है, आसमान में ना बादल लग रखे हैं, वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल रूई रूई लगा रखी होगी पूरे आसमान में। सौम्या सुनैना को भी नहला धुला के अंदर बांध दिया है, और ये रही सुनैना, और सुनैना ने सारा घास अपने गुस्से में रहती है खाली, सारा घास अपने पैर के नीचे डाल दिया। कि मम्मी जाएंगी आज जंगल घास लेने के लिए, आज जाऊंगी खेत में दाल के बीच में जो कवाड़ होता है ना उसको निकालने के लिए। कर रहे हैं दाल के, दाल की निलाई। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को, कैसे हो भाई आप? और मम्मी ना आजकल जंगल जा रही है, वो भी जूड़ा लेके स्वेटर लेके, नहीं क्योंकि जंगल में ना आती नहीं है,
ये मम्मी इतना वो मत बोलो, रोज आती हूँ व्लॉग में, आप दिखता होगा। मम्मी आज बना कर रही है कि दाल की निलाई करने के लिए जा, तो खेत में भी जाना जरूरी है। हाँ। खेत का काम करेगा तो कोई जंगल से घास लाएगा। तो ठीक है, जाओ आराम से जाना, आराम से आना, लेने आना हो तो बता देना। चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा मौसम, हरियाली हरियाली, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी हमारे गांव में तो अभी अच्छी सी धूप लग चुकी है और हमारा घर है उधर की साइड, तो वहाँ ना लगती है 8-9 बजे के करीब धूप। तो चलिए, मैं भी अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ। ये दोनों खेत हमारे हैं, यहाँ पे हमने गेहूं बोई थी और गेहूं की फसल तो अच्छी हो रखी है। बीच में ढेर सारा कबाड़ हो रखा है, तो यही वाला कबाड़ निकालना है। तो अभी ना हमने उतना खेत कर लिया है, ऊपर के खेत से हम नीचे आ गए थे और धूप भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई। हमने कर दिया है साफ, अभी भी बहुत सारे रह रखे है, घास का सोल्टा भी रेडी है। तो चलो उठाते हैं और चलते हैं घर। अभी मैं खेत से भी घर आई, नहाई और यहाँ बाहर पे देखा तो सीधे कान्हा आ रखा है। हेलो कान्हा। हेलो, कैसा है? बढ़िया। और वो हाथ पे क्या है, मेरे लिए ला रखा? नहीं, मेरे लिए। यार तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाया? रुमाल लाया बन मेरे लिए, रुमाल देखो इतना बड़ा रख रखा है। अरे दो चक्के जाओ रे, तुम कौन से घर आ गए? तो मैं बुआ के आया, तो मैं मजा करूंगा। ये वो कोई के दराज में क्या कर रहा हूं? ऐसा कुछ भी है मेरे पास? क्या है बता दो। बता। अच्छा, इसके अंदर से कपड़े पहन रखे हैं भले इसने। प्रणाम कौन करेगा? वो ना प्रणाम पिता को। अरे प्रणाम कभी नहीं बोलता है, मनाम बोलता है। मनाम प्रणाम बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ। अभी बोला इसने प्रणाम, तू मनाम बोलता है यार।